नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं शेयर मार्केट वर्सेस गोल्ड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज से अगर हम लोग साल 2015-16 के बीच में देखें तो शेयर मार्केट जो है हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जो है यूज किया करते थे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया करते थे। लेकिन आज आप गरीब नौकर चौकड़े पे जाएंगे तो आप लोगों को ये सुनने के लिए मिलेगा कि हाँ, मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ या फिर मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाता हूँ। और इसके पीछे का मेन कारण क्या है? इसके पीछे का मेन कारण यह है दोस्तों कि साल 2016 के बाद में जब जियो आया तो जियो ने एक इंटरनेट की क्रांति सी जो है इंडिया में ला दी। और इसी की वजह से जो बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है वो मार्केट में या फिर यूट्यूब पे बढ़ने लग गए और उन्होंने जो है इंडियन लोगों को ये समझाना शुरू कर दिया कि अगर आप लोग जो है अच्छी वेल ग्रोथ चाहते हैं या फिर वेल्थ चाहते हैं तो आप लोग जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जरूर कीजिए। लेकिन दोस्तों, किसी भी मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों, हम लोग अगर फिर भी चाहे कि हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर बाकी चीजों में इन्वेस्ट करें, तो हम लोगों में से 50% लोग तो जरूर ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जाके देखते होंगे कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, कौन सा शेयर घटने वाला है। तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं यूट्यूब को देखते हुए जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज से कुछ 2-4 दिन पहले यू हुआ, साधना टीवी करके जो है एक शेयर है, जो साधना टीवी है उसका एक शेयर है जिसकी प्राइस जो है आज से कुछ दिनों पहले सिर्फ 5 रुपए थी। लेकिन दोस्तों, किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने क्या किया, उस शेयर की बहुत बढ़ाई चढ़ाई बता के जो है लोगों को ये कहा कि आप लोग जो है ये शेयर बाई कर लो। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि वो बड़ा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर रहा होगा तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है सिर्फ 5 रुपए का शेयर देख के जो है शेयर बाई करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से हम लोगों को ये देखने के लिए मिला कि जो शेयर 5 रुपए का होता था वो 35 रुपए तक चले गया। और वो जो 35 रुपए का शेयर है वो जो है अभी कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में ही गिर के फिर से जो है 5 रुपए की तरफ आने लग गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, इसकी वजह से ये हुआ कि फायदा तो कंपनी के लोगों को हुआ, यानी कि जो उसके प्रमोटर थे जैसे अर्शद वारसी जैसे लोगों के भी नाम उसमें आ रहे हैं। उसके बाद में उस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को भी हुआ क्योंकि उसने जो है बहुत सारे शेयर पहले ही अपने पास लेके रख दिए, उसके बाद में लोगों को बताया उस शेयर के बारे में। तो मान के चलिए 40-50 हजार भी व्यू आ गए उस वीडियो पे, तो 40-50 हजार लोगों में से कुछ ना कुछ लोगों ने तो वो शेयर कम से कम 10-10, 15-15, 20-20, 100-100 तो बाई किए होंगे। तो उस तरीके से जो है उस शेयर की जो है प्राइस का फायदा हुआ उस इन्फ्लुएंसर को, कंपनी के प्रमोटर्स को। अब फिर उसके बाद में जब शेयर के प्राइजेस बढ़ गए तो उन लोगों ने ये किया कि वो शेयर के प्राइजेस को है बेचना, शेयर को जो है बेचना शुरू कर दिया और शेयर धड़ाम हो गया। अब दोस्तों, इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान हुआ दोस्तों आम व्यक्ति का, जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने जो है यूट्यूब से जानकारी ली और यूट्यूब से जानकारी लेकर जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाया। मैं यहाँ पे दोस्तों ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट खराब चीज है, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जिस चीज की हम लोगों को नॉलेज ना हो उस चीज में जाकर हम लोग अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो बहुत गलत चीज है। जैसे मैं यहाँ पे गोल्ड के प्राइजेस के प्रेडिक्शन भी इस चैनल पर बताता हूँ, कुछ लोग मुझे आके ऑयल के प्राइजेस के, क्रूड ऑयल के प्राइजेस के भी आके जो है प्रेडिक्शन पूछते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम डीएम पे। तो वो सारी चीजें मुझे नहीं पता है, मैं फिजिकल गोल्ड की यहाँ पे बात करता हूँ। तो ऐसे दोस्तों, इन सारी चीजों से बचने के लिए आप लोगों को ये करना चाहिए कि धीरे धीरे करके जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। भले ही आप 500 रुपए इन्वेस्ट करें लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करें। और आप 500 रुपए में भी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और फिजिकल चीज जो गोल्ड वगैरह जो भी है फिजिकल है, वो आपके हाथ में रहेगी तो कभी भी आपको इस टाइप का नुकसान तो होने ही वाला नहीं है। जैसे आप अगर लखपति बनने के सपने देख रहे हो और लखपति बनने के सपने देखने के बाद में डायरेक्ट रोड पे आ जाते हो, तो उससे तो बेटर ये है कि आप जो है धीरे धीरे करके गोल्ड में इन्वेस्ट करो और गोल्ड में इन्वेस्ट करके जो है आप लोग प्रॉफिट लो। गोल्ड में भी आप लोगों को कम जो है प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिलता, सालाना 10-12% जो रिटर्न है आराम से जो है गोल्ड में आ जाता है, चाहे गोल्ड में सुस्ती रहे या फिर गोल्ड में मंदी रहे। और साथ ही साथ अभी जब इन्फ्लेशन की बातें हो रही है तो हम लोगों को गोल्ड के प्राइजेस और बढ़ते हुए तो नजर ही आ रहे हैं। तो दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो गोल्ड में आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मुझे उस चीज से दिक्कत है कि जहां पे ये कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर है ये उन लोगों को जो है शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, और उन लोगों को ये कहते हैं कि गोल्ड में आप लोगों को सिर्फ 10% या 15% ही इन्वेस्ट करना चाहिए आपका पोर्टफोलियो डाइवर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, आप अपने आजू बाजू में कम से कम 5 किलोमीटर के रेडिएशन में देख लीजिएगा कि आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है
जो शेयर मार्केट से ही पैसा कमा के जो है एकदम संतुष्ट है और वो जो है वेल्थ बना चुका है। ये सारी चीजें जो है दोस्तों सिर्फ कहने की बातें हैं। शेयर मार्केट में सिर्फ वही लोग पैसा बनाते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा हो और वो पैसे को जो है मैनिपुलेट अपने हिसाब से कर सके। हाँ, शेयर मार्केट में आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए जो हाई डिविडेंट वाले शेयर है वो लेके रख सकते हो तो आप लोगों को डिविडेंट भी मिलता रहेगा और लॉन्ग टर्म में आप लोगों को प्रॉफिट भी मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और मैंने आप लोगों को क्या इस वीडियो के तहत समझाने की कोशिश की है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।